सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों में कुछ इस तरह की डुअल टोन फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, गाइस इस तरह की फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। सो गाइस, कि अगर आप भी कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करना, लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो चलिए अभी आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे प्लस करके इधर पे दिखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडिट फोटो नाम के ऑप्शन दिखने को मिलेगा इधर पे, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग इस बैकग्राउंड को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड हो या फिर PNG, जो कुछ भी मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा उसका सारे के सारे लिंक आप लोगों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग सिंपली वैसे कर इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अभी एड फर्स्ट आपको चले जाना है एड फोटो क्वेश्चन में, तो ये रहा एड फोटो क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग अपना कटआउट फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मॉडल का फोटो पहले से ही कटआउट है। अगर आपको कटआउट करना नहीं आता फोटो, तो आप लोगों में आगे जाकर बताऊँगा आप लोग कैसे कटआउट कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना फोटो को इस तरह से आप लोग एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सही है। उसके बाद दोस्तों ऐसे अभी आप लोग चला जाना इसके इफेक्ट्स टूल में, ठीक है। तो ये रहा इफेक्ट्स टूल का ऑप्शन, आप लोगों में दिखा देता हूँ, ये रहा इफेक्ट्स टूल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन इधर पे दिखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग इस ऑप्शन की तरह से सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग कर देने से डन। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग फिर से एक बार एड फोटो क्वेश्चन में चला जाना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग इस ब्लू PNG को एंड ये रेड PNG को इधर से आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इन PNG को आप लोग कर लेना है ऐड। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों इस रेड PNG को आप लोग ले आना है लेफ्ट साइड की तरफ, और ये ब्लू PNG को आप लोग ले आना है राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग इसका ब्लेंड मोड को कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एरा ब्लेंड मोड का ऑप्शन आप लोगों में दिखा देता हूँ, एरा ब्लेंड मोड का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। देन दोस्तों ऐसे आप लोग कर लेने से मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आप लोग अपने फोटो के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है। उसके बाद दोस्तों इसका ऑपोसिटी को आप लोग थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। तो ये रहा ऑपोसिटी का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका आप लोग कम कर देना है, यहाँ पर आप लोग रखने 51 के आसपास। उसके बाद दोस्तों आप लोग चला जाना है दूसरा PNG में। एंड दूसरा PNG में जाने के बाद दोस्तों इसका भी आप लोग ब्लेंड मोड को कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप लोग ब्लेंड पर फिर से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोग कर लेना मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इस PNG को आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर अपने हिसाब बराबर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर यह सही है। उसके बाद दोस्तों इसका भी आप लोग ऑपोजिट को हल्का सा कम कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ अभी इसे 81 के आसपास। देन दोस्तों ऐसे आप लोग कर देना इसे डन। एंड डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोगों को चले जाने टूल्स में, तो ये टूल्स का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन इधर पे दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर इसका ब्राइटनेस को आप लोग हल्का से इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इंक्रीज करके इधर आप लोग रखने 20 के आसपास, और इधर पर उसका सैचुरेशन को भी आप लोग इंक्रीज कर देना है, यहाँ पर इंक्रीज करके आप लोग फुल कर देना है 100 तक, और यहाँ पर उसका कॉन्ट्रेस्ट को भी आप लोग हल्का सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी रखता हूँ 9 के आसपास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका हाईलाइट्स का आप लोग थोड़ा सा माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस करके आप लोग रखने 9 के आसपास, और इसका शेडो का आप लोगों को हल्का सा बढ़ा देना है, ठीक है। तो इधर पे 12 का आप लोग रखने 11 के आसपास। देन दोस्तों यह सब लोग कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, अभी हमारा मॉडल का फोटो बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग अपना फोटो को सेव करने के लिए इधर पे आप लोग सेव क्वेश्चन इधर पे दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। और अभी आप लोगों में दिखा देता हूँ आप लोग अपने फोटो को कैसे इजीली कटआउट करोगे, ठीक है। सो गाइस, उसके लिए आप लोग फोटो में एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यह ऐप आप लोग प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसे जगह इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे स्टार्ट फ्रॉम फोटो नाम के ऑप्शन दिखने को मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे, आप लोगों का फोटो जो स्कैन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन इधर पे दिखने को मिलेगा, तो दोस्तों इस ऑप्शन को आप लोग इधर से सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव का ऑप्शन इधर पे दिखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर लोग क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मे बी लेटर पर क्लिक कर देना है यहाँ पर नीचे। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव टू गैलरी का ऑप्शन इधर पे दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को फोटो से बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके में रिमूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो आप लोग कैसे लगे कमेंट में बता देना। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में।